हरिसर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच पड़ते सुजानपुर पुल नंबर 3 क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें कैंटर की चपेट में आने से मां और बेटी दोनों की मृत्यु हो गई है और कैंटर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सुजानपुर पुलिस चौकी प्रभारी ने घटना की पुष्टि करते हुए हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों मृतक महिलाएं शाहपुर कंडी क्षेत्र की रहने वाली थी और सुजानपुर में खरीदारी के लिए आई थी। तभी जम्मू की ओर से तेज रफ्तार आते कैंटर और एक्टिवा की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पहले मां और कुछ समय के बाद बेटी की मृत्यु हो गई। फिलहाल मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद कैमरे की मदद से घटना की पुष्टि की गई है तथा ड्राइवर के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाँ जी, अज जी दोपहरे 2:15 के करीब मां बेटी एक अपने शाहपुर कंडी के रहने वाले थे, उन्होंने एक्टिवा से वो जा रहे थे, एक पिछों कैंटर आया तो कैंटर ना उन्होंने एक्सीडेंट होया, जिदे विच पहला तो मां की मौत हो गई है तो हुण थोड़ी देर पहला बेटी की भी मौत हो गई है जी। तो असं इस परचा दर्ज कर रहे हैं जी, बयान लिख के, तो बयान लिखे उन्होंने घरदियां दी स्टेटमेंट से, जिहड़ा कैंटर ड्राइवर है उसते परचा दर्ज कर रहे हैं। सर जी कित्थों आए गए जी? सर ਇਹ ਜੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾ ਲਈ ਫੁਟੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਏ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੈਂਟਰ 'ਤੇ।